प्रिय छात्रों, आज हम लोग फिर पोएम नंबर 1 करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का स्टेंजा नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। कल कुछ छात्रों ने इसका एक्सप्लेन करके मेरे पास होमवर्क के रूप में भेजा है, मैंने जांच भी किया है, अच्छा प्रयास किया छात्र छात्राओं ने। हम चाहते हैं कि इसी तरह से सभी लोग जितना यहाँ पढ़ाया जाए, जो होमवर्क में दिया जाए, उसको आप मेरे पास भेजते रहें, मैं यहाँ से जांच करके उस पर आपको टिप्पणी करता रहूँगा, जो जहाँ जो कमी होगी, जो जैसा होगा हम बताते रहेंगे। तो आज आइए हम लोग फिर चल रहे हैं स्टेंजा दूसरे में। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, आप प्रिंसली लव आर बल्गर ब्रीथ। दिस इज द सेकंड स्टेंजा ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम। एज यू नो दैट दिस पर्टिकुलर पोएम करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ हैज बीन कंपोज्ड बाय ए वेरी फेमस क्रिटिक एंड स्कॉलर ऑफ 17th सेंचुरी, सर हेनरी वॉटन। इसमें कवि ये बता रहे हैं कि जो सुखी व्यक्ति होता है, जो प्रसन्न व्यक्ति होता है, उसकी तमाम विशेषताओं को बताते हुए अब ये दूसरे स्टेंजा में बता रहे हैं कि जिसकी हुज पैशंस, जिसकी हुज माने जिसकी पैशंस माने संवेग, प्रबल इच्छाएं, ये पैशन उसको कहते हैं जो मनुष्य के अंदर जो इच्छाएं बहुत प्रबलता से जागृत रहा करती हैं, जिन पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं रहता, जैसे लोभ है, लालच है, क्रोध है, इनको पैशन कहा जाता है। ये संवेग हैं, ये मानव के ऊपर हमेशा अपना नियंत्रण बनाए रहते हैं। तो जिसके संवेग, जिसकी उच्च इच्छाएं, उत्कट अभिलाषाएं, पैशन, जिसके संवेग नॉट हिज मास्टर्स आर, उसकी मास्टर नहीं होती हैं, अर्थात उसके स्वामी नहीं होती हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि व्यक्ति की ज्वलंत इच्छाएं जो हैं, वो उसके ऊपर कभी हावी नहीं होती हैं, अर्थात वो व्यक्ति इन इच्छाओं को अपने कंट्रोल में रखता है, अपने बस में रखता है, काम को अपने बस में रखता है, क्रोध को अपने बस में रखता है, लोभ को अपने बस में रखता है, लालच को अपने बस में रखता है, यही पैशन है। और ये उसके ऊपर हावी नहीं होने पाती है सुखी व्यक्ति के ऊपर, बल्कि सुखी व्यक्ति खुद इनका मास्टर बन जाता है, मालिक बन जाता है, स्वामी बन जाता है, ये उसकी स्वामी नहीं हो सकती है। एक विशेषता दूसरी है, हुज सोल इज स्टिल, जिसकी सोल आत्मा होती है स्टिल, हमेशा प्रिपेयर, तैयार रहती है काय लिए, फॉर डेथ, मरने के लिए। ऐसे व्यक्ति की आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो है मृत्यु से कभी डरता नहीं। यहाँ पर एक शब्द सॉल आत्मा, लेकिन अब यहाँ थोड़ा से आप ये प्रश्न आपकी तरफ से पूछा जाना चाहिए था कि सर जी, ये सॉल आपने पढ़ाते हुए ये भी बताया है कि आत्मा अजर और अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, नैनम शस्त्रम छिद्राणी नैनम दहति पावकः, ये भी गीता में श्री कृष्ण ने कहा, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, और श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय पर आधारित ये कविता है। इसमें आप बता रहे हैं कि उसकी आत्मा मरने के लिए हमेशा तैयार रहती है, ये कैसे है? एक तरफ कहा जाता है आत्मा अजर और अमर है, एक तरफ आत्मा मरने के लिए तैयार रहती है। इसका ये काव्य है, ये कविता है, आत्मा मरती कभी नहीं है, आत्मा जो है वो अमर है, लेकिन वो व्यक्ति, उस व्यक्ति, ये आत्मा का तात्पर्य यहाँ जोड़े कि वो व्यक्ति हमेशा मरने के लिए तैयार रहता है, इस सांसारिक शरीर को त्यागने के लिए तैयार रहता है, इसीलिए यहाँ पर आत्मा से जोड़ दिया गया है इसका। आत्मा नहीं मरती है, आत्मा एक है, बराबर है, लेकिन वो व्यक्ति अपने इस सांसारिक शरीर को, इस बॉडी को छोड़ने के लिए तैयार रहता है, मृत्यु कभी भी आ जाए स्वागत करने के लिए तैयार रहता है, मृत्यु का आलिंगन करता है, मृत्यु से कभी डरता नहीं। कौन व्यक्ति? एक सुखी व्यक्ति, एक प्रसन्न व्यक्ति, वो मृत्यु से कभी डरता नहीं है। अगर मृत्यु से डर जाएगा तो कभी सुखी हो रह नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया में सब कुछ अनिश्चित है, केवल निश्चित है तो मृत्यु, और मृत्यु एक बार आती है
और निश्चित रूप से आती है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। मृत्यु का समय निश्चित है, मृत्यु का स्थान निश्चित है, वो अपरिहार्य है। इसीलिए जब ऐसा सब कुछ है तो काहे का डर, जब मृत्यु को आना होगा तो आ जाएगी, एक बार मरना है। वो व्यक्ति ये सोच करके इसी में खुश रहता है, इसीलिए मृत्यु से वो डरता नहीं है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फिर, जिसकी स्टेट माने स्थिति को, कैन नाइदर फ्लैटर्स, फ्लैटर्स माने चाटुकार लोग, जो चाटुकारिता करते हैं, जो हाँ हुजूरी करते हैं, जो जय जयकार करने वाले लोग होते हैं, फ्लैटर्स उनको बोला जाता है, वो फीड नहीं कर सकते हैं उस व्यक्ति की स्थिति को, फीड बने प्रभावित, अर्थात वो व्यक्ति चाटुकारों के साथ, चाटुकारों का कभी विश्वास नहीं करता है, चाटुकारिता वो पसंद नहीं करता है, हाँ हुजूरी उसको पसंद नहीं होती है, फ्लैटरी होती है, फ्लैटरी लोग करते हैं ना, हर जगह आज भी है, हमेशा रहा है, किसी राजा महाराजा के लिए, किसी बड़े आदमी के घर में, दरबार में, या किसी सक्षम व्यक्ति के सामने, तमाम अक्षम व्यक्ति होते हैं जो अपना काम बनाने के लिए फ्लैटरी करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, और वो लोग पसंद करते हैं, लोग बाग सब चाटुकारिता पसंद करते हैं आजकल। लेकिन एक सुखी व्यक्ति जो होता है वो चाटुकार लोगों से बहुत सावधान रहता है, चाटुकारिता जो फ्लैटरी जो होती है वो उसकी स्टेट को, स्थिति को नाइदर फीड प्रभावित नहीं कर सकती, अर्थात उसकी चाटुकारिता में कोई रुचि नहीं होती है, चाटुकार लोगों को पसंद नहीं करता है। और नार रुइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और अगर उसका रुइन हो गया, अगर वो व्यक्ति मान लीजिए सुखी व्यक्ति का विनाश भी हो रहा है, रुइन विनाश हो गया, तो मेक ऑपरेशंस ग्रेट, ऑपरेशंस माने होता है अत्याचारी लोग, अत्याचारी लोग उसके विनाश से बहुत ग्रेट नहीं हो जाते हैं, अर्थात उसका अगर विनाश भी हो गया तो जो अत्याचार करने वाले लोग हैं उसके विनाश से बहुत महान नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति एक सुखी व्यक्ति होता है, अत्याचारियों से वो डरता नहीं है। अगर उसका किसी ने विनाश भी कर दिया तो विनाश करने वाला अत्याचारी बहुत ग्रेट नहीं हो सकता है। तो ये चार विशेषताएं इस स्टेंजा में बताया गया है, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन कर लिया जाए। नाउ इन इंग्लिश, एज यू नो दैट दिस पर्टिकुलर पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय अ ग्रेट क्रिटिक एंड स्कॉलर सर हेनरी वॉटन, हु वाज ए फेमस पोएट ऑफ 17th सेंचुरी। ही डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज ऑफ ए हैप्पी मैन। ही सेज, द पोएट सेज दैट द एंगर, ग्रीड, फियर, ऑल दीज आर पैशंस, एंड दिस पर्टिकुलर मैन कंट्रोल्स ओवर ऑल दीज पैशंस। दीज पैशंस आर नॉट द मास्टर ऑफ दिस मैन, बट दिस मैन इज द मास्टर ऑफ दीज पैशंस। ही डज नॉट फियर टू डेथ, ही इज ऑलवेज रेडी टू डाई, ही इज ऑलवेज रेडी टू डाई, बिकॉज ही नोज वेल दैट डेथ इज सर्टेन इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज सर्टेन, ओनली डेथ इज सर्टेन, द टाइम एंड प्लेस ऑफ डेथ इज सर्टेन, एंड वन डे वी हैव टू डाई, एवरी क्रीचर ऑफ दिस यूनिवर्स हु हैज टेकन बर्थ इन दिस वर्ल्ड ही हैज टू डाई वन डे, सो वी शुड नॉट फियर टू डेथ, डेथ इज ए सिंसियर, डेथ इज कंपल्सरी, नो बडी कैन अवॉइड डेथ, सो वी शुड ऑलवेज आर ए हैप्पी मैन, ऑलवेज वेलकम्स डेथ। सच काइंड ऑफ पर्सन, अर्थात इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ए हैप्पी मैन डज नॉट बिलीव इन द फ्लैटरी ऑफ पीपुल, ही डज नॉट लाइक फ्लैटरी, बिकॉज दीज पीपुल हु आर फ्लैटरर, दे आर नॉट द रियल फ्रेंड ऑफ ए पर्सन, दे डू फ्लैटरी ओनली फॉर मेकिंग देयर वर्क, सो दिस पर्सन, इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट ए हैप्पी मैन डज नॉट लाइक फ्लैटरर्स, एंड इफ ही इज रुइंड, इफ ही इज डिस्ट्रॉयड बाय द ऑपरेशंस आफ्टर द डिके ऑफ दिस पर्सन, नोबडी मे बी ए ग्रेट पर्सन आफ्टर द डेथ ऑफ दिस पर्सन, सो दिस पर्सन ए हैप्पी मैन इज ऑलवेज हैप्पी, ही इज केयर फ्री,
ही डज नॉट बिलीव इन फ्लैटरी, ही डज नॉट लाइक फ्लैटरी एंड अनटाइड इन टू द वर्ल्ड विद केयर, ही इज अनटाइड अनटाइड फ्री एंड टू द वर्ल्ड विद केयर. He walks, he is carefree in this world. He is without care, he passes his life without care in this world. He does not think about the love of princes, about the love of kings, or the criticism of common people. Vulgar breath means criticism of common people, and princely love means hota the love of किंग्स, राजाओं का प्रेम या सामान्य व्यक्ति की आलोचना की चिंता नहीं करता है. वो व्यक्ति हमेशा संसार में अनटाइड स्वच्छंद रहता है, कोई चिंता नहीं उसको होती है, और वो उसकी उसका जो जीवन होता है, हु है नाउ इन द थर्ड स्टेंजर, हु हैज हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, उसका जीवन रूमर्स मीन्स अफवाहों से फ्री तुम्हारे मुक्त होता है. ही डज नॉट बिलीव इन रूमर्स, वो अफवाह नहीं उड़ाता, ना कभी अफवाह सुनता है. हुज कंजाइंस इज स्ट्रांग इज रिट्रीट, जिसकी अनकंजाइंस का अंतःकरण अंतरात्मा होती है उसकी क्या स्ट्रांग स्ट्रीट, उसकी मजबूत शरण स्थली होती है. उस व्यक्ति की अंतरात्मा उसकी मजबूत शरण स्थली होती है, वो अफवाहों में विश्वास नहीं करता है, और उसकी स्थिति को सरकार लोग कभी प्रभावित नहीं कर सकते हैं, और उसका विनाश जो है किसी को महान नहीं बना सकता है. नाउ टुडे आई टॉट यू टू स्टेंजा, स्टेंजा नंबर सेकंड एंड थर्ड, एंड आई टोल्ड यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ऑफ दीज स्टेंजाज. नाउ यू हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस two stanza, stanza number second and stanza number third, and you have to explain it as well as you have to send your homework in my personal number. I will check your homework and I will comment what is proper or not. Now next day, tomorrow, I will teach the fourth stanza of this particular poem. Thank you.